ख्याल गाफला तू होने अमला नाल नबेड़े बुत कल्ला रह जाना उड़ना पौर वजूदों तेरे एक दिन तुर जाना है एक पल दा नहीं परवासा सिर काल कूक दाए लंबी करके बैठ गया आसा छड़ जगत रंगीले नू एक दिन पैना पंद लंबेरे कल्ला रह जाना उड़ना पौर वजूदों तेरे बने साथी तकड़े दा ना तू साथ माड़े दा कर दा जो सिख गुरु दाए हुंदा जुल्म कदे नहीं जरदा ना डरन मौत कोड़ो जिना दे पर्वत वरगे जेरे उत कल्ला रह जाना उड़ना पौर वजूदों तेरे कल जुग दी माया ने दुनिया अपने वस विच कीती कोई विरले विरले ने जिन्ना दी सतगुर नाल प्रीति ओह तारन सबना नू करके मन चो दूर हनेरे उत कल्ला रह जाना उड़ना पौर वजूदों तेरे एक दिन तुर जाना है एक पल दा नहीं परवासा सिर काल कूक दाए लंबी करके बैठ के आया सा छड़ जगत रंगीले नू एक दिन पैना पंद लंबेरे बुत कल्ला रह जाना उड़ना पौर वजूदों तेरे खट्टी पापा दी
जे तू जग विच बंदिया तरना, जे तू जग विच बंदिया तरना, जे तू जग विच बंदिया तरना। कहे संधू ते सेवक परि उपकार सदा ही करना, परि उपकार सदा ही करना, परि उपकार सदा ही करना। कोई पेश नहीं चलदी जदों आ पैण जमा दे केरे, कल्ला रह जाना उड़ना पौर वजूदों तेरे, उड़ना पौर वजूदों तेरे, उड़ना पौर वजूदों तेरे। गुरु प्यारियो, सतगुरु पातशाह उन्होंने आख्या बई हे प्राणी, पता नहीं ये श्वासा की पूंजी कदों खत्म हो जावे, तेरी देह ये तेरा शरीर एक मिट्टी दे ढेर वांगू रह जाना है, पता नहीं इस देही विच्चों कदों पावर उडारी मार जावे, ते जे तू इस संसार दे विच रह के सेवा सिमरन वास्ते गरीबां लोड़वंदां दुखियां दी सेवा वास्ते समा कढ़िया है ना, ता ए कीते हुए चंगे कम्मां ने तेरा अगली दरगाह विच साथ देना है। ते गुरु प्यारेओ, जेड़ी होनी है ना, भाव के मौत है, पातशाह ने मौत नूं एक अटल सच्चाई आखे है, जो कुछ बंदे दे कर्मां विच लिखे है ना वो हो के रहिंदा है। एक ऐसी वार्ता आउंदी है कि एक दिन राजे परीक्षित ने वेद व्यास जी नूं सवाल कीता है कि हे वेद व्यास, की मेरे बुजुर्ग एहो जे सन जेड़े अपने मन दे आखे लग गए? ते वेद व्यास कहिंदा है कि राजन, जेड़ा मन है ना ये बड़ा जबरदस्त है। ते राजा परीक्षित कहिंदा है एदा कोई उपाओ भी है? वेद व्यास कहिंदा है कि कोई नहीं। ता राजे परीक्षित ने सिर फेर दिता है, इस करके सिर फेर दिता है भई बंदे दा मन ता बंदे दे वस विच हुंदा है ना। ता वेद व्यास कहिंदा है अच्छा जा, मैं तैनू पहला दस देना है भई अज तो तीन महीने बाद तेरे कोल एक सुदागर घोड़ा लेके आएगा, ते राजन तू ओ घोड़ा ना खरीदी, सुन जे तू खरीद भी लिया ना ता उस घोड़े उत्ते सवारी ना करी, जे सवार भी हो गया ता पूर्व दी दिशा वल नू ना जावी। राजन जे तू पूर्व दिशा वल चलिया भी गया ता उत्थे तैनू एक औरत मिलेगी, उस नाल गल ना करी, जे गल भी कर लई ता राजन ओनू घर ना लेके आई, जे तू घर भी लै आया ना ता उदे नाल शादी ना करी। सुन ये सारा कुछ तेरे कर्मां विच लिखिया है, तेरे नाल होना है, जे तू शादी भी कर लई ता उदे आखे ना लगी। जा राजन मैं तैनू दस दिता है ते तू अपने मन नू अपने काबू विच रख के एदा इलाज कर ले। ते गुरु प्यारियो की होया? इसे तरह होया, तीन महीने बाद एक सौदागर घोड़ा लेके आया, ऐसा घोड़ा राजे परीक्षित ने कदी वेख्या ही नहीं सी। अमीरां वजीरां ने
बड़ी सिफत कीती घोड़े दी, बड़ी वड्याई कीती ते आख्या कि महाराज खरीद लो ना सवारी करियो। बाहरले राजे आके वेखणगे ये घोड़ा तां तंबेले दा शिंगार है। ते गुरु प्यारियो वजीरां दे आखे लग के राजे ने घोड़ा खरीद लिया। जदों घोड़ा खरीद लिया ना ता राजे दे वजीरां ने राजे प्रिश्त नूं आख्या कि राजन ये घोड़ा बहुत चंगा है, इहदे विच जरा भी ऐब नहीं, ये तुहाडी सवारी दे लायक है। ते गुरु प्यारियो राजे ने मन विच आख्या अच्छा सवार हो जांदे हैं, पूर्व दी दिशा नूं ना जावांगे। ता गुरु प्यारियो जदों राजा प्रिश्त घोड़े ते सवार होया ते घोड़ा मूँह जोर हो के जबरदस्ती जंगल विच पूर्व दिशा नूं जा निकले। जदों पूर्व दिशा नूं जा निकले अगे एक जगह, ऐसी जगह एक बड़ी खूबसूरत स्त्री बैठी रो रही सी। ते राजे ने घोड़े तो उतर के पुछया बई क्यों रो रही है। ता ओ कहंदी कि मेरे रिश्तेदार मेरे कोलों विछड़ गए ने, ते तू राजन मैनू अपने घर लै चल। ता राजा प्रिश्त कहंदा कि मैं तैनू घर नहीं ले जा सकदा। ओ बेनती करन लगी कि हे राजन एथे जंगल विच मैनू रिछ जां छेर खा जाणगे, इस दा तुहानू पाप लगेगा। ते राजा सोचन लग्या चंगा घर लै चलदे हैं, मन विच विचार कर रहे हैं कि घर लै चलदे हैं, इहदे नाल शादी व्याह ना करांगे। ते गुरु प्यारे जदों उस खूबसूरत स्त्री नूं राजा घर लै आया है, कुछ दिनां बाद लोकां ने उस स्त्री दी बड़ी तारीफ कीती कि बई बड़ी नेक है, बड़ी सुशील है। ते राजे प्रिश्त नूं आख्या कि राजन ए इस्त्री तुहाडे लायक है। तां गुरु प्यारियो राजा भुल गया, राजे ने उस इस्त्री नाल व्याह करवा ले, शादी कर ली। वेखो जदों कई दिन बीत गए ता वो स्त्री कहन लगी राजे प्रिश्त नूं के स्वामी पावे कोई गरीब तो गरीब व्याह करवावे, शादी करवावे, ता वो अपनी बरादरी दी रोटी कर दे। राजा कहिंदा कि तू की चाहुंदी है। वो कहन लगी कि तुसी रिखियां मुनियां नेक पुरशां नूं अपनी बरादरी वालियां नूं बुलाओ अते सारयां नूं भोजन छकाओ। तां गुरु प्यारियो राजे प्रिश्त ने प्रबंध कर दिता है। जदों सारे ऋषि मुनि आके बैठ गए तां ओ कहन लगी कि मैं आप इन्हां दी सेवा करांगी, मैं इन्हां नूं अपने हत्थां नाल आप भोजन छकावांगी। तां गुरु प्यारियो की होया, ओ ऋषि मुनि जंगलां दे रहण वाले सन, रोटी वरताउंदे वरताउंदे कहण लगी बई ये तां सारे मेरे वल वेख रहे ने। राजन नूं आखिया कि स्वामी ये तां सारे बेशर्म ने। ते गुरु प्यारियो राजे नूं गुस्सा आया, इन्ना गुस्सा आया कि उन्हें उस स्त्री दे आखे लग के सारे ऋषियां मुनियां नूं तलवार नाल कतल कर दिता। जदों कतल कर दिता है ते उन्हां ऋषियां मुनियां दे कतलां दा पाप राजे नूं लगना ही सी। तां उस वक्त वेद व्यास जी प्रगट हो गए ते कहिंदे राजन दस तू की आख्या सी।
ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਪਰ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਜਰ ਪਾਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਆਏ ਕੰਮ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗ ਐਸੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਕਦੋਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭੌਰ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਖਿਆਲ ਗਾਫਲਾ ਤੂੰ ਹੋਣੇ ਅਮਲਾ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਬੁੱਤ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉੱਡਣਾ ਪੌਰ ਵਜੂਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕਲ ਯੁਗ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹ ਤਾਰਨ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਬੁੱਤ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉੱਡਣਾ ਪੌਰ ਵਜੂਦੋਂ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਖੱਟੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਤਰਨਾ ਕਹੇ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਆ ਪੈਣ ਜਮਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਬੁੱਤ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉੱਡਣਾ ਪੌਰ ਵਜੂਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ
उस प्रभु नू उस अकाल पुरख नू याद रखेगा ना ते तू सीधा सच खंड विच स्वर्गां विच जावेंगा। ते गुरु प्यारेओ गुरबाणी दे विच आउंदा है भई अंत समय जिस भी चीज दी बंदा इच्छा करदा है ना ते ओ उसे जूनी विच पै जांदा है। गुरबाणी च आउंदा है अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै सर्प जोन वल वल औतरै। भई जेड़ा अंत समय धन लक्ष्मी नू याद करदा है ते ओ सप दी जूनी विच पै जांदा है। ते अगे गुरबाणी विच आया है अंत काल जो इस्त्री सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै बेसवा जोन वल वल औतरै। ते गुरु प्यारेओ ए बाणी दे अखीर विच आया अंत काल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मैं जे मरै बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वाके हृदय बसे। भाव के जे बंदे ने अंत समय उस नारायण नू सिमर लिया याद कर लिया ते ओ सीधा सचखंड स्वर्गां विच गए। ते गुरु प्यारेओ अजामल पापी इन्ने पाप कीते सन भावें ओदे छोटे पुत्र दा नाम सी नारायण जदों ओदे सवास खत्म होण लगे जदों ओदियां अखां दे सामने ओनू काल दिसिया डर गया अपने छोटे पुत्र नू आवाज मार रहे है कि नारायण नारायण मैनू काल तो जमदूता तो आके बचा। अपने छोटे पुत्र नू आवाजा मार रहे है पर नारायण नाम उस अकाल पुरख दा प्रभु दा। जदों नारायण नू प्रभु नू याद कीता है ते गुरु प्यारेओ ओ जमदूत वापस मुड़ गए देवते बबाण लै के आए अजामल नू बबाण ते लै के स्वर्गां विच चले गए। ते गुरु प्यारेओ एक ऐसी वार्ता आउंदी है एक महापुरश जदों उना दा अंतम समा नेड़े आया ते उना दा मुखी सेवादार मुखी सेवक बार किते काम गया होया सी अंत समा नेड़े आया ते दूसरे सेवकां नू महापुरशा ने आख्या भई सेवको साडा हुण अंत समा नेड़े है साडे स्वास खत्म हो जाने है। जदों साडे स्वास खत्म हो गए ते जेड़े अपने डेरे विच घंटे कड़ियाल लगे ने ना ये अपने आप खड़कन लग पैणगे ता तुसी समझ लेना है कि असी सच खंड विच स्वर्गां विच चले गए। ते गुरु प्यारे महापुरशां ने आख्या है भई साडा मंजा बाहर अंब दे दरख्त दे हेठां डाह दिओ। मंजा डाह दित्ता ते गुरु प्यारे उस सबब नाल उस अंब दे दरख्त नूं इक ऐसा पक्या होया अंब लग्या होया सी। महापुरश मंजे ते पए ने जदों उहनां ने अंब पक्या होया वेख्या उहनां दे मन विच इह ख्याल आया है भई अंब बहुत पक्या होया है बड़ा मिठा होना है जे असी खा लईए ता किन्नी चंगी गल होवेगी बड़ा स्वादला होना है। ये विचार करदियां गुरु प्यारेओ महापुरशां दे स्वास खत्म हो गए अकाल चलाना कर गए। ते गुरु प्यारेओ कोई घंटे घड़ियाल ना खड़के
मुखी सेवादार भी आ गए। दूसरे सेवादारा ने दस्या भाई महापुरशा ने यूं आख्या सी, संस्कार कर दिता है ते गुरु प्यारेओ, जदों महापुरशा दा संस्कार कर दिता है ओ मुखी सेवादार कहिंदा है भाई महापुरशा नूं कित्थे पाया सी। दूसरे सेवादारा ने दस्या है भाई ऐस मंजे ते पाया सी, ते ओ मुखी सेवादार गुरु प्यारे उस मंजे ते लम्मा पै गया, ते उन्हें वेख्या के उपर अंब दे दरख्त नाल एक बड़ा पक्या होया अंब लग्या है। ओ समझ गया भई महापुरशां दी सुरती उन्हां दा ख्याल इस अंब विच चलिया गया होना है। अंब नूं तड़वाया ते जदों चीरिया ते गुरु प्यारे अंब विच एक कीड़ा फिर रहा है, ते जदों उस कीड़े नूं अग्न भेट कीता है उसे समय घंटे कड़ियाल खड़क पए। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। जदों घंटे कड़ियाल खड़क पए ता वो मुखी सेवादार कहिंदा है बई महापुरशा ने अंतम समय इस अंब विच अपनी सुरती कीती सी, ते ओ कीड़ा बन के इस अंब विच सन, ते आपा उन्हां नूं इस कीड़े दी जूनी तो मुक्त कर दिता है, ते हुण ओ वाकया ही सीधे सचखंड विच स्वर्गां विच गए ने। ते गुरु प्यारियो पातशाह ने आखिया बई गुरसिखो हर समय उठदियां बहिंदियां काम कर दियां अपना मन उस वाहिगुरु दे चरणा विच ला के रखिया करो, पता नहीं स्वासां दी पूंजी कदों मुक जानी है। कर ख्याल गाफला तू होने अमला नाल नबेड़े, बुत कल्ला रह जाना उड़ना पौर वजूदों तेरे, उड़ना पौर वजूदों तेरे, उड़ना पौर वजूदों तेरे। बने साथी तकड़े दा ना तू साथ माड़े दा करदा, सिख गुरु दाए हुंदा जुल्म कदे नहीं जरदा, जुल्म कदे नहीं जरदा, हुंदा जुल्म कदे नहीं जरदा। ना डरन मौत कोड़ों जिना दे पर्वत वरगे जेरे, कल्ला रह जाना उड़ना पौर वजूदों तेरे, 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 उड़ना पौर वजूदों।